स्वर्ण स्वर्ण प्रभाभिः श्रुति हृदय नभो व्यापिनीभिर्मनोज्ञा भावा भाव प्रभावो जित हित मणिभिर् विस्फुरद विप्रपूर्णा श्री पूर्णानंद तीर्थागम निगम रसोल्लास संपन्न धानी मंजूषा का पिवाणी मम मनसि मनां मंदिरे चाकसी तो भगवान की पूजा उपासना भक्ति समर्पण और शरणागति। समर्पण में वस्तु का समर्पण पत्रम पुष्पम फलम तोय, क्रिया का समर्पण जत करोषि, भोग का समर्पण जदश्नासि, धर्म का समर्पण जत ददासि जुहोषि और तपस्या का समर्पण जत तपस्या से कौन तो। बलि ने लोक परलोक दोनों समर्पित किया, पर एक सूक्ष्म वस्तु ऐसी रह जाती है जो पूजा में तो रहती है, उपासना में भी रहती है, भक्ति में भी प्रयोज्य रूप से शेष रहते हैं। और समर्पण में समर्पक के रूप में शेष रहते हैं, समर्पण करने वाला दी गई सो दी गई चीज देने वाला रह गया। इसी से हम लोग जितना साधन भजन करते हैं वो लौट के कर्ता के पास आ जाता है, माने अहम की पूजा हो जाती है। परिवार के लोग हमारे मन की करें, प्रकृति में हमारे मन के अनुसार गर्मी सर्दी पड़े, राज्य हमारे मन से हो, ईश्वर भी हमारे मन के अनुसार करे, हमारी सारी साधना ईश्वर की पूजा के स्थान पर अपने अहम की पूजा का स्थान ले लेती है। तो निर्दोष जिसमें व्यक्तिगत सुख और स्वार्थ की गंध भी न हो, ऐसी स्थिति कैसे बने। संसारी लोग कह देंगे कि ऐसी निस्वार्थ स्थिति होती ही नहीं है। साधक लोग कहें कि जिसमें कोई करने वाला ही नहीं उसमें किया क्या। भगवान ने शरणागति की चर्चा की। एक नाम भगवान का शरण और एक जो शरण भाव, एक शरणागति का भाव और एक शरण रूप भगवान गतिर भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुरत।
माने उपाय और उपेट साधन और साध्य को नहीं, वही उनको मिलाते हैं। भगवान ने सर्वगुज्जितम बात कहने की प्रतिज्ञा की। सर्वगुज्जितम भूय शरण में परमं वच। आप जानते हैं सुनहरी मैंने निर्बल के बलराम, जहां अपना बल हार जाता है वहां सच्ची शरणागति होती है। ये महात्मा लोग जो इस रहस्य को तत्व को जानते हैं, उनके जीवन में सबसे बड़ा लाभ ये है कि कोई उनको धोखा नहीं दे सकता। करे मैं की पूजा और बतावे आपकी पूजा, तो महात्मा लोग उसको भी अपनी पूजा मानते हैं। ये उनकी उदारता है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा भी मैं ही हूं, तो तुम अपनी पूजा करते हो तो ही मेरी पूजा करते हो। तुम्हारी आत्मा भी वही है जो हमारी, भगवान एक हैं। तो चाहे आत्म पूजा करो चाहे मेरी पूजा करो, भगवान की पूजा है, ये तो एक उदारता की बात है। परंतु भगवान की ओर चलने के लिए चार बात भगवान ने बताई। पहले इन धर्मों का पालन करने से भगवान के पास पहुंच जाते हैं, उसमें भी क्रम है। मनमना भव, मद भक्तो भव, मद याजी भव, माम नमस्कुर, चौथे को सबसे अलग कर दिया। क्योंकि भव क्रिया का अन्वय मद याजी भव तक होता है, नमस्कुरु के साथ भव क्रिया का क्रियापद का अन्वय नहीं होता। श्रीधर स्वामी ने एक प्रश्न उठाया इस प्रसंग में कि जब अंत में सर्वधर्मान परित्यज्य बोल नहीं है तो पहले क्यों नहीं बोल देते ये सब प्रपंच, ये सब बखेड़ा फैलाने की जरूरत क्या है। इस पर उन्होंने एक दृष्टांत दिया। बोले कि एक बार चार आदमी कहीं जंगल में गए और वहां ये निश्चय हुआ कि खिचड़ी पका के खाएंगे। तो एक को कहा कि तुम लकड़ी समेटो जंगल में से इधर उधर, एक से कहा कि तुम गांव में जाके हंडिया चावल दाल लेके आओ। एक से कहा तुम कुएं में से पानी खींच के ले आओ। एक को कहा भाई तुम सब बात का ख्याल रखना, अंत में आग बिल्कुल बुझा देनी चाहिए, नहीं तो जंगल का काम है, कहीं आग लग जाएगी फैल जाएगी, हम लोग भी इसमें गिर जाएंगे मर जाएंगे, दूसरे प्राणियों की हत्या होगी। अंत में आग बुझाना परम आवश्यक है, इसका ध्यान रखना। अब सब सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि अंत में जब आग बुझानी है तो जलाई क्यों जाए, हड़िया खिचड़ी हड़िया चावल दाल लाए सो ठीक है, पानी लाए सो ठीक है, लकड़ी इकट्ठा करी सो ठीक है,
पर जब आग बुझानी है तो जलावें क्यों? अब देखो, यदि आग जलाई नहीं जाएगी तो खिचड़ी नहीं पकेगी, लोग खाएंगे क्या? तो पहले हंडिया खिचड़ी ले आओ, आग ले आओ, पानी ले आओ, पकाओ, उसके बाद ना आग बुझाने की चीज होती है। तो पहले ही बोले कि जब आग बुझानी है तो जलाओ ही मत, जब सर्वधर्म का परित्याग ही करना है तो सर्वधर्म करने की क्या जरूरत? बोले ये कुतर्क है। पहले सारी तैयारी करके खिचड़ी पका लो और भोजन कर लो, जब भोजन हो जाए, तृप्ति हो जाए, उसके बाद आग बुझाना ये कर्तव्य होता है। तो नदी से पार होने के पहले ही नाव छोड़ दे तो पार कैसे होंगे? इसलिए सर्वधर्मान परित्यज्य के पहले धर्म भी तो होना चाहिए ना। तो वो धर्म क्या है? तो पहली बात बताई कि मन मना भवा, मय मनो यस्य स मन मना। तो पंडित लोग इसका अर्थ करते हैं अहमेव मनो यस्य, जिसका मन मैं ही हूं। इसका अर्थ यह है कि मन नाम की कोई मूर्त वस्तु नहीं है। उपनिषदों में आया न बाह्य नापि हृदये सद्रूपम विद्यते मनः, बाहर इदम मनः अस्ति, ऐसा कहने के लिए मन कभी दृश्य नहीं होता। अच्छा, अंतर का अंतर में भी इदम मनः कहने के लिए मन दृश्य है। अस्ति प्रत्यय का विषय मन स्वयं में नहीं होता है, जब वो किसी विषय का आकार ग्रहण करता है अथवा प्रतियोगी सापेक्ष अभाव का आकार ग्रहण करता है तभी इदम मनः अभावाकार वृत्ति हो चाहे भावाकार वृत्ति हो, तब यह मन है ऐसा ग्रहण होता है। फिर कहोगे कि बात टेढ़ी हो गई। यदर्थ प्रतिभानं तन मन इत्यभिधीयते, अर्थ का भासना ही मन है। बल्कि हमारे महात्मा ने, भिक्षु शंकरानंद ने कहा कि मन ही माया है, माया 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 जो ग्रंथों में लिखा हुआ आता है वो मन कोई दूसरा नहीं है, अपना मन ही माया है। वही मेरा तेरा, न मेरा न तेरा, ये सब दुनिया का काम वही फैलाता है। फिर एक दिन बोले कि देखो, ये मन नाम की जो चीज है ये कोई दूसरी नहीं है। जब चेतन सविषयक होता है, माने किसी चीज को देखता है, तब चेतन का ही नाम मन हो जाता है। और जब चेतन निर्विषयक होता है तो मन का ही नाम चेतन हो जाता है। सविषयक चेतन का नाम मन और निर्विषयक मन का नाम चेतन। तो अहमेव मनो यस्य स मनः, जब परमात्मा से अलग मन मालूम ही न पड़े उसको कहेंगे मन मना। हमने अपने मन की ओर देखा, क्या है, कहाँ है रे मन?
ये मन मन लोग बोलते हैं, कभी देखते थोड़े हैं कि क्या है ये, कभी स्त्री बन गया तो कभी पुरुष बन गया, तो कभी हीरा बन गया तो कभी मोती बन गया। वो तत्त्व आकार धारण करके ही मन प्रतीत होता है, मन मालूम पड़ता है। यदि कोई आकार मन में ना हो तो मन अपने से अलग, आत्मा से अलग, परमात्मा से अलग हो गई नहीं। तो मन को ऐसा बनाओ, इसको ज्ञान बोलते हो, मंद्री अवबोधने धातु से, अवबोध के अर्थ में मन शब्द बनता है, ज्ञान के अर्थ में। तो जहां परमात्मा और ज्ञान दोनों अलग अलग नहीं है, एक है, वहां हो गया मनमना। फिर बोले कि ये तो जरा कठिन लगता है। कहां भाई, व्यापारियों को पैसे की बात सुनावे तो कठिन नहीं लगेगी। वकील को कानून की बात सुनावे तो कठिन नहीं लगेगी, डॉक्टर को रोग की दवा की बात सुनावे तो कठिन नहीं लगेगी। वो तुम्हारा विषय है ना, तुम अपने विषय में एकह पटु हो, एक्सपर्ट हो बिल्कुल। तो भी वृत्ति से ही देखा जाता है, परंतु भगवान को देखना और प्रीति विशिष्ट वृत्ति से, असल में विशिष्ट जो भगवान है, सगुण जो भगवान है, निर्गुण भगवान निर्विशेष वृत्ति के विषय हो जाते हैं, निर्विशेष वृत्ति स्वरूप ही होते हैं, और सगुण भगवान जो है वो सगुण वृत्ति के विषय होते हैं, सविशेष वृत्ति के विषय होते हैं। प्रेम अपने वृत्ति में, अपने चित्त की वृत्ति में प्रेम का रस घोल कर और फिर उससे भगवान का सेवन करो निरंतर। शांतोदित तुल्य प्रत्यय, जो वृत्ति शांत होए वही उदित होए, जो वृत्ति शांत होए धौरा प्रवाह। मदगुण श्रुति मात्रेण मई सर्वगुहासे मनोगतिर अविच्छिन्ना यथा गंगाम्भ सोम्बुध लक्षणम भक्ति योगस्य निर्गुणस्य युदारितम। ये भक्ति योग का लक्षण है, निर्गुण माने प्राकृत गुण से रहित होने के कारण इस भक्ति योग को निर्गुण कहते हैं। बस जैसे गंगा जी यथा गंगाम्भ सोम्बुध, गंगा सागर में जैसे गंगा जी की धारा समुद्र में गिरती रहती है, गिरती रहती है, गिरती रहती है, ऐसे हमारा गला हुआ चित्त द्रुतस्य भगवत धर्मा धारावाहिकतांगता सर्वे से मनसो वृत्ति भक्ति रित्यभिधीयते। मधुसूदन सरस्वती ने भक्ति रसायन में भक्ति का लक्षण किया। भागवत धर्म का पालन करते करते जब चित्त मोह ममता की कठोरता छोड़ दे, द्रवित हो जाए, द्रुत हो जाए, और फिर वृत्ति धारावाहिक रूप से परमेश्वर में गिरने लगे, तो उस वृत्ति का नाम होता है भक्ति। बोले बाबा ये तो कोई अनायास साध्य भी नहीं मालूम पड़ते है। अनायास को उर्दू में आसान बोलते हैं, अनायास आसान, ये भी कोई बहुत आसान बात तो नहीं है, क्योंकि अंतः बहुत सूक्ष्म है, तो सूक्ष्मता में प्रवेश करके, अपने अंतर देश में प्रवेश करके और निरंतर वृत्ति के द्वारा भगवान का स्पर्श करना, वृत्ति को यदि त्वाच प्रत्यक्ष होता हो, यदि वृत्ति किसी को टच करती हो, त्वाच प्रत्यक्ष माने टच करना, तो यदि वृत्ति बार 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 छुए छुए, जैसे हम कूची लेके हाथ में
और कोई चित्र बनाते हैं, ऐसे यदि भगवान का चित्र बनावे हाँ तो ठीक है, दिल में बनावे हो। हाँ, कागज पर बनाने वाले भगत हैं कि नहीं ये हमको नहीं मालूम है। गीता प्रेस वाले जिससे चित्र बनवाते थे, एक चित्र का 12 रुपया लेता था, पूरे 50 वर्ष पहले, 40 वर्ष पहले की बात है, 45 बल्कि 50 हो रहे हैं। तो वो रुपया लेके जाके शराब पी जाता था, उसकी पत्नी और बच्चे आके रोते थे भाई जी के पास। वो तो चित्र बनाना तो एक कला है। जब हम अपने अंतर में चित्र बनाते हैं, अपने हृदय में, और बड़े प्रेम से बनाते हैं, तो हमारी वृत्ति बारंबार टच करती है भगवान को और प्रेम से करते हैं। मन भक्तो भव, बोले अरे ये भी भीतर की बात बाबा, ये भी बहुत मुश्किल है। अच्छा लो मदियाजी भव, मेरे उद्देश्य से यजन करो, मेरे उद्देश्य से माने भगवान के लिए धर्म का अनुष्ठान करो। 14 लक्षणों को धर्म शास्त्र में जैसी विधि है उस विधि के अनुसार, वो भी मन के अनुसार नहीं। एक बात आपको सुना देते हैं, आप अपने मन के अनुसार किया हुआ बड़ा से बड़ा पुण्य भी अहंकार की वृद्धि में हेतु होता है। और शास्त्र सद्गुरु की आज्ञा से किया हुआ साधारण कर्म भी अनुशिष्ट होने के कारण धर्म हो जाता है। धर्म के साथ अनुशासन लगा हुआ है और वो वासना की निवृत्ति के लिए है। आप वासना अनुसार ही कर्म करते हैं, उसका नाम धर्म नहीं होता। जो शासनानुसारी, शास्त्रानुसारी आचार्य, सद्गुरु, भगवान, शास्त्र के आदेशानुसार जो कर्म किया जाता है, उसमें अपनी अपना जो कर्तापन है, कर्तृत्व है, वो गौण हो जाता है। और अपने मन से जो किया जाता है वो अपने मन का हौसला बढ़ा देता है। आज मन अच्छा काम करा रहा है, कल मन बुरा काम करा देगा। ये तो ऐसे ही मैंने प्रसंग बस बात कह दी। धर्म में उद्देश्य होना चाहिए भगवान, तब धर्म भक्ति हो जाता है। भक्ति में तदाकार वृत्ति का प्रवाह होना चाहिए, वृत्ति प्रवाह। भगवान के उद्देश्य से किए हुए कर्म का नाम धर्म है और भगवान को विषय करने वाली वृत्ति का नाम भक्ति है। और स्वस्वरूप का भगवत स्वरूप से एक हो जाने का नाम स्वरूपावस्थान है। यदि हमारा आत्मा परमात्मा से एक नहीं होगा तो परिच्छिन्न रह जाएगा, कटापिटा। और परमात्मा यदि हमसे एक नहीं होगा तो अचेतन रह जाएगा, दृश्य रह जाएगा, कल्पित रह जाएगा। इसलिए मनमना भव, मदभक्तो भव, मदयाजी भव, ये तीनों बड़े मुश्किल हैं। तब भगवान ने कहा कि अच्छा भाई, वो इसी मुश्किल से बचना चाहते हो, तो असल में यदि लक्ष्य हो, अपना उद्देश्य हो, तो आदमी कठिन से बचना नहीं चाहता है, वो तो कठिन से कठिन काम करना चाहता है। हम कठिन से कठिन काम करने को तैयार हैं यदि उससे हमारे लक्ष्य की प्राप्ति होती हो। भागवत में दृष्टांत दिया है कि ये बाणिया लोग जो हैं वो धन कमाने के लिए कितना कठिन काम करते हैं, पहाड़ पार करते हैं, समुद्र पार करते हैं,
आसमान में उड़ते हैं क्योंकि उन्हें धन प्राप्त करना है। चोर धन की प्राप्ति के लिए, तस्करो बणिक दोनों शब्द एक साथ ही हैं भागवत में। एक तस्कर धन की प्राप्ति के लिए अपने को कितने संकट में, कितनी विपत्ति में, कितने जोखिम में डाल करके धन प्राप्त करना चाहता है।